वी हैव वन मोर डे टू गो. गुड मॉर्निंग, नहीं आफ्टरनून. तो आज का व्लॉग आई थिंक थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि आज हमें पैकिंग शैकिंग करनी है. मुझे मेरे स्कूल का ना जो कॉपी वर्क है वो फिनिश करना है, क्योंकि वैकेशन में स्कूल वालों ने, हमारे उड़िया वाले सर ने बोला कि वो लोग कॉपी मांगेंगे हमसे, क्योंकि जब स्कूल खुला था तब तो उन्होंने चेक किया नहीं. बेवजह फालतू के छुट्टी दे दे कर दिन बर्बाद कर दिए. अभी ये लोग समर वैकेशन में कॉपी मांगेंगे, तो पापा को जाना पड़ेगा स्कूल कॉपी वॉपी देने. तो मैं सारा कॉपी मेरा सेट करके एक बैग या किसके अंदर एक रख दूंगी, ताकि यू नो पापा दे दे. और लकीली मेरा मैथ कॉपी जो सबसे ज़्यादा जिसमें मैंने वर्क किया था, उन्हें मैम से बोलकर चेक करवा लिया है. सो मुझे मैथ कॉपी पैर में नहीं लगा है. नहीं, मैं पैर में नेल पॉलिश नहीं लगा. आज मेरा पैर का ठीक करके फिर अगर टाइम होगा तो मैं भी लगाऊंगी. ये है मेरा नेल पॉलिश, ये देखो मैंने कैसे इधर नेल आर्ट किया. ये काओ वाला डिज़ाइन है, काओ का बेली जैसा डिज़ाइन है. एंड ये रहे आई यू एंड मम्मी. हमारे वीडियो सारा, तीन वीडियो एडिट हो गया और एक वीडियो बाकी है, वो भी इजी पीजी वाला वीडियो हो जाएगा. तीन हो गया कि दो? अच्छा, और एक तो आ गया. अच्छा. अब तू क्या भूल रही है पता है? क्या? ये जो पैक जो फ्रेंड्स लोगों को दिखाई भी नहीं है, वो मैं लैपटॉप बैग के अंदर भरूंगी. अच्छा, ये मैंने परी के लिए गिफ्ट काइंड ऑफ बनाया है. इसके अंदर थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो परी को पसंद है, और कुछ DIY वाले भी चीज़ें जो मैंने अपने हाथों से, अपने ये सुंदर सुंदर हाथों से बना के दिया परी को. तो ओडिया का हमें एक चैप्टर लिखना है और एक रचना लिखना है. एक चैप्टर का क्वेश्चन ऐसा, होपफुली इस बार कम है सरलार्थ एंड सरलार्थ सरलार्थ मतलब सरल अर्थ, इजी मीनिंग. हाँ, तो वही मुझे अभी लिखना है. क्यों इधर डाली हो? ये मैं पहन के जाऊंगी ना कल. ये पैंट कभी मत पहनना. नहीं, ये वाला पैंट ही पहनूंगी, क्योंकि ये वाला पैंट बहुत मोटा है और इसको मैं फोल्ड करके नहीं रख पा रही हूँ, बहुत जगह ले रहा है, इसलिए ये वाला पैंट पहन के चली जाऊंगी. और वो वाला पैंट तो मतलब वो तो कम जगह लेकर रह जा रहा है ना, इसलिए मुझे ये वाला पहनना पड़ेगा. ये वाला पैंट क्यों नहीं पहनूं? मुझे अच्छा नहीं लगता है. एस्थेटिक है. अरे तुझे क्या हुआ? अच्छा, तुझे भी आना पड़ेगा. आयु को भी नहीं अच्छा लग रहा. आयु को अच्छा लगे नहीं लगे मुझे, लेकिन पैंट ठंडा नहीं लगेगा ना. हाँ, ये क्यों आया है मुझे एग्जैक्टली पता है. क्यों आया है सबको खुद बताएगा या मैं बताऊं? नहीं कुछ चाहिए इसको, नॉटी बाबू है मेरा आयु. आदि भैया, आदि भाई के लिए तूने क्या लिया? तू तो कुछ नहीं लिया आदि भाई के लिए. आदि भाई के लिए कुछ नहीं लिया? मैं तो मेरी बहन के लिए सब कुछ लिया, तू अपने भाई के लिए क्या लिया है? तो ये इधर, इसको माइक नहीं मिला इसलिए ये आया है. माइक लेने देखना, मैं उसके सामने माइक. एक सेकंड भी नहीं लगेगा इसको ना सोचने में. मुझे चाहिए मतलब चाहिए. अरे नहीं ले रहा है. तो आज आप लोग मेरे साथ होमवर्क करने वाले हैं एंड मम्मी का पैकिंग देखने वाले, क्योंकि मेरा पैकिंग खत्म हो गया. मम्मी, आयु का पैकिंग खत्म हुआ है? नहीं तो मम्मी और आयु का आधा हुआ है. मैं मेरा ऑनलाइन क्लास, आज एक क्लास कैंसिल हो गया, उसी टाइम में मैंने मेरा बैग पैक कर दिया. तो मेरा बैग सबसे पहला बैग होता है, हमेशा फर्स्ट ही बैग मेरा बैग होता है जो हमेशा पहले पैक हो जाता है. तो अभी मैं जा रही हूँ, जा तो नहीं रही, इधर ही बैठी हूँ, होमवर्क करूँगी एंड इसको मम्मी के पास छोड़ के आएंगे. एंड गुड आफ्टरनून. सो ये रहा इधर क्यूटी क्यूटी आयु, क्यूटी क्यूटी आयु, आयु आयु आयु, आप पैकिंग करो, हेल्प करो. सो हम लोगों ने आयु का बैग हमने इसमें रखा था, बट हम लोगों ने एक्चुअली शिफ्ट कर दिया. ये है हमारा आयु का बैग, इसमें सब आयु का सामान है. एंड इधर इजी एक्सेस भी है इधर, बट वो ट्रॉली को लॉक खोलना पड़ेगा, फिर हर एक चीज़ निकालना पड़ेगा. ओ लाइन चला गया, कोई बात नहीं. मेरा ट्रॉली उधर पैक होके मम्मी के पीछे है. मम्मी का अभी तक कुछ भी पैक क्या है मम्मी का? क्या हमने देखा? क्या हमने देखा? सो अभी तक मम्मी का बैग जो है वो बिल्कुल भी पैक नहीं हुआ है, पता नहीं कब होगा. मैं बोल रहा हूँ दोपहर को ना सो के पैक कर लो, ताकि रात को आपको जल्दी नींद आ जाए, कल मॉर्निंग को फिर जल्दी उठना है. इसीलिए मुझे इसके साथ ब्लॉगिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं. आयो, माइक खींचेगा.
ओके आई विल सी यू गाइज थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये मम्मी का पैकिंग में हेल्प करने के बाद मैं जाऊंगी ओडिया लिखने। एंड कल एक्चुअली ना मैं मेरा ऑनलाइन क्लासेस नहीं करने वाली, हमें कल थोड़ा सा जल्दी निकलना है, तो इसलिए ये बैग तो सब सेट वेट करेंगे मम्मी, रात को कर लेंगे हम सब। ये सब ना मुझे मेरा अभी स्टडी टेबल जो उसको थोड़ा सा ठीक करना है, क्योंकि स्टेशनरी वेशनरी को भी सब एक जगह पे सेट सेट करके रखना है, क्योंकि आते हैं यार बहुत लोग, काम वाली आंटी आती है, तो मतलब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होकर रहेगा ना, ऐसे पड़ा होगा टेबल और मैं थोड़ी ना जाऊँगी। और मैं मेरा कॉपीवर कंप्लीट नहीं करी, क्योंकि एक महीना तो थोड़ा तो टाइम देंगे ना ये स्कूल वाले लिखने के लिए, और अगर इतना टाइम नहीं हुआ तो क्लास टीचर को मैसेज करके बोलना पड़ेगा कि हम अभी आउट ऑफ स्टेशन है इंडिया, और तो मुझे अभी इधर से पहले सबसे पहले मेरा बुक्स एंड कॉपीज़ को सेट से रखती हूँ, क्योंकि कल मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं करने वाली, आज मेरा ट्यूसडे आज ऑफ है, कल मैं नहीं गई थी वेडनेसडे, तो इवनिंग को है ट्यूशन, तो कल मेरे स्कूल भी नहीं ट्यूशन भी नहीं। सो कल 1 तारीख है, तो 1 तारीख से हमारे होने वाले हैं समर वेकेशन, और मे बी शायद से आज लास्ट दिन था। स्टैंड के साथ खेल रहे हैं एंड बुक्स इधर मैंने सारा कुछ अरेंज करके रख दिया है, इतना सारा बुक्स, और इधर नीचे का हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, मुझे ये खाली बैग, इसके अंदर कुछ कुछ सामान रख लेंगे स्टेशनरी का। तो सबसे पहले हमें हर एक स्टेशनरी जो आइटम है उसको ऐसे टेबल पे डाल कर रखना पड़ेगा। ये क्या हुआ? हाँ भी हर एक चीज़ जो है वो सेट अप है। इधर मैंने मेरा स्टेशनरी रख दिया है, और सॉरी एक्सक्यूज मी, मैं जो पहनूंगी सोच रही थी ब्राउन कलर का पैंट्स, वो बहुत जगह ले रहा है बैग के अंदर, तो मैं सोची वो पहन लूँ, बट आई रिमेंबर कि पिछले बार मैंने वही पहना था, तो इस बार हम लोग ये ब्राउन टी शर्ट एंड एक कार्गो वाला पैंट्स पहनने वाले, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉकेट्स है, तो मैं अगर जाते वक्त गाना सुनना भी चाहूँगी तो इसके अंदर मेरा मोबाइल फ़ोन को रख दूँगी, फिर इधर उधर मोबाइल फ़ोन घूमने का कहीं टेंशन नहीं होगा। और अभी मुझे मेरे स्टडी टेबल में बैठना भी नहीं है, तो रात को मैं एडिटिंग करूँगी, होमवर्क छोड़ो भाड़ में जाए, ये सबको इधर अभी रहने देते, ये वाला बैग फिर पैक करना है। इधर मैंने चश्मा, जर्नल और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना मुझे, और अगर कुछ कुछ चीज़ रखना होगा छोटा मोटा तो रहेगा उसके अंदर। फिर ये मेरा स्किन केयर वाला सामान तो सब इधर भी सब कुछ ऑल सेट है। अभी मम्मी उस रूम में अभी तक अपना बैग पैक कर रही है, और ये लैपटॉप वाला सामान तो इधर ही रह गया, कैमरा वैमरा मेरे बैग के अंदर रह गया है, मेरे ट्रॉली के अंदर। आई डोंट थिंक हमें इधर से अभी कुछ चाहिए, ये वाला अगर भरना होगा व्लॉगिंग करने के लिए तो हम लोग कल मॉर्निंग को भरेंगे ये बैग के अंदर। तो आई थिंक अभी के लिए वी आर ऑल डन, आप लोगों से मिलूँगी शाम को। मैं अभी छत के ऊपर आई हुई हूँ एंड आई हैव नो आईडिया, मैं धीरे क्यों बोल रही हूँ, जोर से भी बोल सकती हूँ, बट अभी सब नीचे हैं। मैं हमेशा नोटिस करती हूँ ना, लाइक जब मैं कहीं जा रही होती हूँ, लाइक गाँव या बैंगलोर या कहीं भी, वही दो जगह ही मैं जाई हूँ गई हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी में, जब से बड़ी हुई हूँ तब से, तो लाइक हमेशा मैं ना छत पर आती हूँ, थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड कर चुकी हूँ, पता नहीं क्यों, जस्ट मेरा होम टाउन तो नहीं, मेरे घर का ब्यूटी एडमायर करती हूँ। अभी नीचे है सब, फ्रेंड आई हुई है, क्यूट सी बच्ची, वो घूम रही है अभी राइट नाउ एंड नीचे खेल रहे हैं वो लोग। सो मैं अभी ऐसी छत के ऊपर घूम रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, मैंने एक अच्छा सा फोटो भी लिया है, मैंने सोचा था फ़ोटो नहीं लूँगी आज कुछ, तो मम्मी ने बोला व्लॉग छत के ऊपर जा रही है तो व्लॉग कर लियो, फ़ोन ले जा, एंड देन आई टुक दैट पिक्चर। सो हमारे घर के छत में बहुत अच्छी हवा आती है जो आपको मेरे बालों से दिख ही रही होगी, जरा अच्छी हवा आती है कि मेरे बाल ख़राब हो जाते हैं। अभी ठीक किया मैंने लिटिल इनको, अभी ठीक किया, सुन के आई हूँ, नाम मैं भूल जाती हूँ, और बार निशिता नहीं तनीषा समायरा क्या है उसका नाम, श्रेयांश एक दोस्त आई हुई है, तो वही लड़की एंड श्रेयांश और आयु लोग खेल रहे हैं अभी नीचे, बट बच्चों के साथ खेलना मुझे पसंद है, बट अभी ये लिए यू नो
थोड़ा सा नजारा देखो, नजारा ज्यादा घटिया नजारा है। तू ना मेरे घर के नजारे में ही शांति है पक्का। मेरे बालों को इग्नोर करना, मेरे बातों को सुनो बट मेरे बालों को इग्नोर करो। अभी के लिए मैंने माइक भी नहीं लिया, सो अगर कोई साउंड प्रॉब्लम हो रहा है सो प्लीज बेयर विथ मी क्योंकि मैं माइक नहीं ले। हाय हाय हाय, सो ओ वाओ मम्मी आपके फोन का कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा दिख रहा है। सो अभी लिटरली मम्मी गई थी 7:15, 7:25 अराउंड, अभी 8:25 हो रहा है, मतलब एक घंटा से मम्मी जो सब हम लोग उधर ले जाना, सब्जी तो ले आई थी मम्मी कल, मुढ़ी मिक्सचर और क्या मेडिसिन और मामा के लिए और भी मिठाई वो सब लेने गई थी मम्मी। तो अभी मैं बैठ कर अभी इधर मेरे लिए वो मम्मी बड़ा एंड सब्जी ले थी, जो कि आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली मेरा आज का डिनर हो जाएगा। और क्योंकि यार 9 ही बजने वाले हैं तो मेरा डिनर हो जाएगा, अगर मामा ने कुछ सब्जी वब्जी बनाया होगा तो इस सब्जी को मैं मतलब मुढ़ी के साथ थोड़ा सा मिक्स करके खा लूँगी क्योंकि मुढ़ी इज़ लव फॉर मी। अभी मैं ये खाना खाने वाली हूँ फाइनल, ये बैग का पैकिंग हम लोग करेंगे रात को, मतलब जो सारी चीज़ें अगले सुबह चाहिए वो सब भरने के अलावा कल सुबह हमें सिर्फ ब्रश चाहिए और कुछ नहीं। सो ब्रश के अलावा अभी इसके अंदर हम लोग सब पैक करेंगे मैं खाने के बाद। मेरा पैर बहुत दुख रहा है, मेरे हाथ दुख रहे हैं, थक चुकी हूँ यार, कल कैसे कैसे कल हो जाए, कल आराम से ट्रेन में बैठ कर मेरी सारी नींद पूरी करूँगी। चलो अभी खाना खाते हैं, आई विल सी यू इन अ बिट रात को मे बी आई गेस। आज का दिन भी ख़त्म हो चुका है, कल ट्रेन हमें पढ़ना, मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत इरीटेटिंग लग रहा है मुझे, आई हैव नो आइडिया क्यों, मुझे आयू की वजह से लिटरली बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत अजीब होया, बहुत पेशेंट है बट क्या ही करूँ यार, मेरा भाई है प्यारा सा है चुटकू सा है, ये बैग अभी तक हमने पैक नहीं किया है, सो उठ कर ये वाला बैग पैक करेंगे, खाने पीने वाला बैग पैक करेंगे, बाकी मम्मी मेरा एंड आयु का बैग पैक्ड है। मेरे अंदर अभी इतना एनर्जी नहीं है कि मैं इतना लाइक ज़ोर ज़ोर से बात कर सकूँ, सो प्लीज़ बेयर विथ मी, मैं ज़्यादा अभी ना चुप चुप नहीं कर सकती। एंड कल उठ के नहा धो के रेडी वेडी होना है क्या, कल मैं क्लासेस नहीं कर पाऊँगी, जाना है ना ट्रेन पकड़नी है तो क्लासेस तो मेरे नहीं हो पाएंगे। एंड सब उस रूम में दादी ने ना मेरे पैर में तेल लगा दिया, मैं लाइक 2 बार चक्कर खा कर गिर चुकी हूँ पूरे दिन में, तो दादी को मेरी बहुत चिंता हो रही है कि मेरी दादी प्यारी है यार। ये देखो मेरा नाखून आज मैं फिर से दिखा देती हूँ, ये अगर आपको लग रहा है आधा नेल पॉलिश छूट गया तो नहीं, दिस इज द डिज़ाइन। सो आई विल सी यू गाइस टुमारो, आई रियली होप ट्रिप अच्छा जाए, बाय, आई विल सी यू गाइस लेटर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो, एंड बाय।